आईपीसी के इस एपिसोड में, यानी इंडियन पिनल कोड के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कानून क्या है, साथ ही कानून के कितने प्रकार होते हैं, और आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1860 के फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया गया है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, पहले हम शुरू करते हैं कि कानून क्या है। तो कानून एक संहिता है, नियम संहिता कह सकते हैं इसे, एक रूल्स है जो हमें सबको फॉलो करना पड़ता है, समाज में रहने वाले सभ्य समाज के लोगों को फॉलो करना पड़ता है। कानून लिखी हुई एक इंस्ट्रक्शन है, यानी जब एक समाज बनाया जाता है तो उसके लॉ एंड ऑर्डर्स को व्यवस्थित करने के लिए एक नियमबद्ध तरीके से रूल्स को लिखित दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की या ऐसा व्यवहार किया जो कि कानून के तहत अपराध माना जाता है, तो न्यायपालिका द्वारा आपको इसमें दंड के प्रावधान दिए जाएंगे। यानी कानून एक सभ्य समाज में दिए गए रूल्स को या संहिता को कह सकते हैं। एक वह मनुष्य का वह आचरण जो राज्य द्वारा स्वीकृत है, यानी आप कैसे, किस तरह के आचरण सभ्य समाज में रहने के लिए आपको किन किन आचरणों को फॉलो करना होगा, किस तरह का व्यवहार करना होगा ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। तो कानून है कि जो राज्य द्वारा स्वीकृत नियमों को एक संहिताबद्ध तरीके से दिया गया है, जो लिखित इंस्ट्रक्शन है लोगों के लिए, और उसे हर नागरिक को फॉलो करना चाहिए या उसी रूल्स के हिसाब से आपको समाज में रहना चाहिए, इसे कानून कहते हैं। अब कानून के कितने प्रकार होते हैं, तो कानून दो प्रकार के हैं, यानी सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं जो मूल कानून होते हैं, जो अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, और अधिकार और कर्तव्य छीने जाने पर दंड के प्रावधान की बात करते हैं। साथ ही प्रोसीजरल लॉ है कि आप प्रक्रियात्मक विधि द्वारा, यानी अगर आपके साथ किसी तरह का अपराध हुआ है या किसी अपराध में आप सम्मिलित हुए हैं, तो जब यह कानून भारतीय दंड संहिता के द्वारा आप एक आरोपी घोषित किए जाते हैं या अपराधी घोषित किए जाते हैं, तो जब यह मुकदमा न्यायालय में जाएगा, अदालतों में जाएगा, तो किस प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होगी या ट्रायल चलेगा, इसे ही कहते हैं प्रक्रियात्मक एक संहिता। मूल संहिता जो मैंने आपको कहा सब्सटेंटिव लॉ इंडियन पिनल कोड है, सब्सटेंटिव लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सब्सटेंटिव लॉ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सब एक सब्सटेंटिव लॉ है, यानी मूल कानून है। और प्रोसीजरल लॉ है जैसे द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, प्रक्रियात्मक विधि है कि जब भी कोई अपराधी पे ट्रायल चलेगा तो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ कोड के हिसाब से ही चलेगा। इसी तरह से अगर दीवानी मुकदमे हैं, यानी किसी संपत्ति को लेकर के, किसी के अधिकार को लेकर के, किसी रेमिडीज़ और इसकी बात हो, राइट्स एंड रेमिडीज़ की बात होगी, तो वह सिविल कोड में जाता है और सिविल कोड के अंतर्गत, यानी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ही न्यायालय में उस पर प्रक्रिया के तहत ट्रायल चलाई जाती है। यानी आज हमने देखा कि मैंने आपको दो बातें बताई कि पहला तो कानून क्या है, दूसरा कि कानून के कितने प्रकार हैं। कानून के दो प्रकार, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। अगर आप सब्सटेंटिव लॉ में कहीं भी अपराधी तय करे जाएंगे, यानी आपराधिक मामला दर्ज किया गया, तो आपको पिनल कोड के हिसाब से प्रक्रियात्मक यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से कार्रवाई होते हुए आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। अगर आप सिविल के में किसी तरह से दोषी पाए जाते हैं या सिविल के मुकदमे आप पर चलाए जाते हैं या सिविल वाद में जाते हैं, तो आप पर सिविल कोड प्रोसीजर कोड के CPC 1908 के तहत प्रक्रियात्मक विधि अपनाते हुए अदालत आप पर कर। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि IPC में 23 अध्याय हैं, यानी 23 चैप्टर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले चैप्टर में क्या दिया गया है। तो IPC के पहले चैप्टर में प्रेम्बल है, यानी
सेक्शन 1 में दिया गया है कि आईपीसी की क्षेत्र सीमा क्या होगी, यानी यह कहां तक लागू होगा, भारत में कहां तक इसकी क्षेत्र सीमा होगी। पहले जम्मू कश्मीर को आईपीसी लागू करने की बात नहीं थी, यानी एक्सक्लूडेड था वो। अब 370 ख़त्म होने के बाद वह इंक्लूड हो गया है, यानी आईपीसी अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। इसी अधिनियम के तहत वहाँ भी आपराधिक मामला चलाया जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में रणवीर पीनल कोड से आपराधिक मामला चलाया जाता था। दूसरा, सेक्शन 2 में यह दिया गया है कि अगर अपराध, कोई भी तरह का अपराध भारत के अंदर होता है तो वह इस अधिनियम के तहत चलाया जाएगा, यानी आईपीसी के तहत ही उस पर आपराधिक मामले तय होंगे या आपराधिक दोषी पाने पर उन पे दंड के जो प्रावधान होंगे वो या इंडियन पीनल कोड के तहत ही तय किए जाएंगे। तीसरे सेक्शन में यह दिया गया है कि भारत से परे होने पर भी अगर वह अपराध विचारणीय है भारत में तो वह इस यहीं पे उनका आपराधिक मामला चलाया जाएगा, साथ ही भारतीय दंड संहिता के तहत ही उस पे आपराधिक मामला चलाया जाएगा। सेक्शन 4 में यह दिया गया है कि अगर भारतीय नागरिक यहाँ से जाकर कहीं और अपराध करता है या कोई विमान या कोई जहाज, जो भी भारतीय जहाज होगा या भारतीय विमान होगा, अगर उस पे कोई अपराध बाहर होता है तो वह भी भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत ही उस पे भी आपराधिक मामला चलाया जाएगा, यानी ट्रायल और प्रोसीजर इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से ही चला जाएगा। पाँचवें सेक्शंस में यह दिया गया है कि जो वायुसेना होंगे, नौसेना के लोग होंगे, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होंगे उनका अपना एक लॉ होता है, इसलिए वह इस भारतीय दंड संहिता के अधीन नहीं होंगे, यानी उन पर उनके लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये तो मैंने आपको आज बताया कि कानून क्या है, साथ ही मैंने आपको बताया कि कानून के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही मैंने आपको यह भी जानकारी दी कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड के प्रथम अध्याय में, यानी फर्स्ट चैप्टर में कि क्या दिया गया है, यानी वो 5 सेक्शनों में बटा हुआ है और 5 सेक्शन के अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि अध्याय 2 में, यानी आईपीसी इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 2 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और क्या क्या बातें कही गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।